नवजोत सिंह सिद्धू जो कि कांग्रेस के साबका प्रधान रहे ने, पंजाब कांग्रेस के और साबका कैबिनेट मंत्री रहे ने, उन्हां दी रिहाई नूं लै के अज कई चर्चा जड़ियां चल रही सी। इस शमशेर सिंह दुल्लो साडे नाल आ जिन्हां ने अज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। सर, नवजोत सिंह सिद्धू नूं लै के बड़ी चर्चा जड़ी आ उह चल रही सीगी, अज तुसीं प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और कई गल्लां जड़ियां उह साफ कीतियां, की लगता है जिहड़ी नवजोत सिंह सिद्धू की रिहाई की जिहड़ी चर्चा सीगी इह कित्थों चली? एक ये नहीं है, एक सिस्टम है। रिपब्लिक डे ते और 15 अगस्त दो दिन ऐसे नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट का एक सर्कुलर आया और वो सर्कुलर पंजाब गवर्नमेंट नू 22 जून दिल्ली में आया है, पंजाब सरकार नू भी जिन्होंने बाहर दिन तो उपर जेल कट्टी है और जिन्हों का करदार जेल के बिहेवियर जिन्हू कहने चंगा है उन्होंने रिहा किया जाए। आम होंगे ने, हर साल होंगे ने, 15 अगस्त में भी होंगे ने। और जिहड़ी लिस्ट जो मिसालू पता लग गया कि 51 बंदियां दी लिस्ट भेजी गई जेल सुपरिंटेंडेंटा वालों होम मिनिस्ट्री नूं, वो क्यों रोकी गई? सिद्धू का फोबिया जे उतरिया नहीं सरकार तो, ना इन्हां दा ना दिल्ली वालियां दा। और उहदे करके भी चलो सिद्धू नूं नहीं छड्डना सी, तुसीं पंजाब बाकी देता छड्ड दिंदे। उन्होंने बेचारे का की वो कह तो नॉन पोलीटिकल ने, छोटे मोटे मुकदमे च वो फसे हुए ने। ये ठीक है, जुडिशरी है, ये भी धक्का ही होया। ये पहली दफा है कि हिंदुस्तान के इतिहास के 323 के किसी सज़ा हो। तो आम तौर पर बहुत तो बहुत प्रोबेशन लै लेंगे ने। अगे 2000 जुर्माना किया, रिव्यू कराई गई, फिर सज़ा हुई। ये सारी कैलकुलेटड है। जिहड़ी नवजोत सिंह सिद्धू नूं लै के मतलब कि जिहड़ी तुसीं कह रहे हो जिहड़ा होम मिनिस्ट्री वालों जिहड़ा सर्कुलेशन आ, इस दे विच उह कवर हुंदे आ, उहनां दी सज़ा इस दे विच कवर हुंदी आ, भी हाँ इन्हां नूं उस दे तहत रिहाई की जा सकती है, वह इस चांदा नहीं? मैं कहना इस उहदे तहत हुंदा जिहड़े नॉर्म ने, हाँ जिहड़े स्पैशल रिमिटेंस दे विच मैनुअल दे विच ने, उह च इह नॉर्म ने, उह पूरी फुलफिल करदे ने। और अच्छा बिहेवियर, जेल दे रूल रेगुलेशन दे नाल काम करना, ये उहदा नाम रिकमेंड होया होया सी। और आसमान ची जदों असी भी मिले हैं, सानू भी पता, क्योंकि सानू असी भी 50 साल दे देखते आ रहे हैं। आम तौर पर छड्डे जांदे ने, ये पहली 26 जनवरी है जदों पंजाब च इक बंदा नहीं छड्डिया इन्हां ने। ये इन्हां नूं भुगत, इह सरकार नूं भुगतना पऊगा, इहदा सिट्टा मिलेगा, लाजमी मिलेगा। उसका की रीज़न है तुसी कह रहे हो सरकार नूं सिट्टा मिलेगा, क्यों? नहीं, वो सिद्धू फोबिया जे थी उन्होंने तो निकलिया नहीं है भी ये बाहर आऊगा, ये मूवमेंट करूगा, लोगों के हक्का हकूकों की गल करूगा, सरकार के खिलाफ मुद्दे जोड़े ने। पंजाब च लाल डाटर है नहीं, महंगाई का मसला है, रोज़ ओवरडोज ना अज भी नशे बिकते ने, रोज़ कन्ना दियां बालियां औरतों तो बैंक लुटिया जा रही हैं। मैं दसो तो सही, लोग तो तंग आए पे ने, ये जड़े MLA चुने गए ने इन्हों कोई पुछ प्रतीत नहीं है, वो आप दुखी ने। जब मुख्यमंत्री कहना मैं दुखी हाँ तो मैं MLA का की हाल होएगा, क्योंकि रिमोट ना सरकार चलती है दिल्ली तो, इसलिए भगवंत मान दुखी है। MLA तो आप जनता तो दुखी है ही। सिद्धू की रिहाई नूं लैके कांग्रेस दो फाड़ नज़र आ रही है, प्रधान जी कितें भी उसके हक च नज़र खड़े नज़र नहीं आ रहे? नहीं नहीं, दो फाड़ कोई नहीं है। ए, मैं तो यही कि अपने अजीज़ दोस्तों नूं कहांगा, क्योंकि प्रधान बने ने, ये आउंदे आउंदे जांदे रहिंदे ने, इहदे च कड़वाहट नहीं पैदा होनी चाहिए। किसी बंदे नाल धक्का होया उहदे नाल सिमती रखनी चाहिए है, मैं तो यही कहांगा। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਹੁਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਹੈ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਜੀ ਨਾਲ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ, ਔਰ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਖਾਸ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਰਹੇ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਰਹੇ, ਇਹ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸੀ, BJP ਨੇ ਪਿੱਕ ਕਰ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵੈਲਕਮ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਬਾਕੀ ਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਫੈਮਿਲੀ ਆ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰਹੇ ਹਾਂ,
इस लई अहुदे कदे मिल गए कदे नहीं मिलते। मैं भी प्रेजिडेंट रहा, प्रेजिडेंट तो बाद मैनू ऑलरेडी इलैक्शन अथॉरिटी का मैंबर बनाता थी, हूँ मैं बंगाल का प्रभारी हाँ, ये तो अहुदे मिलते रहते हैं। दोस्त साहब तुम हूँ सिद्धू साहब की रिहाई तो हुई नहीं है, तो तुम कि इस मुद्दे को लैके सीएम या गवर्नर नाल मुलाकात की करन की सोच रहे हो? नहीं, असी भीख थोड़ों मंगनी है कोई, ये तो राइट थी, एक गौरमेंट के नॉर्म ने, सेंटर गौरमेंट ने हदायत कीतियां हुई, उन्होंने नहीं इन्होंने मनिया, ये हक बनता है एक कोई भी बंदा जिह अच्छा चाल चलना बिहेवियर है, साल 60% ज़्यादा पूरी गई तो 2/3 कर चुके है जी, इसलिए यह हक बनता सी, ये कई होर बनता सी, सिद्धू नहीं छड़ना तो दूए नूं छड़ दिंदे, उन्होंने भी इजाजत की है, पर मैं जरूर कहाँगा एक खमियाजा जरूर भुगतना पेगा सरकार। फरवरी पहले हफ्ते च कैबिनेट की मीटिंग हो जा रही है, सोनू लगता उत्थे कोई डिसीजन हो सकता? ये तो देखो हुण ये मौका हुंदा है जदों ये छड्डियां जांदियां, वो मौका तो निकल गया, हो सकता है जे उन्होंने उसकी नीयत ही साफ होंगी तो इस वैसे कैबिनेट जाने की कोई जरूरत नहीं है, एक सर्कुलर नॉर्म है, इस मैनुअल दे विच भी है, इस करके सरकार ने छड्डन हुंदा छड्ड दिंदे। इस गवर्नर की कितने सहमति की लोड़ पैंदी है? इनफॉर्मेशन होंदी है गवर्नर की, तो वो ऑर्डिनेंस हुंदा है कोई, वो करवाना पैंदा है, तो वो जरूरत है, ये तो कोई जरूरत नहीं। थैंक यू। ओके भाई, ये शमशेर सिंह दिलो जी, जेडे कि नवजोत सिंह सिद्धू मामले च जड़ी पंजाब विच जड़ी इस टाइम चर्चा बनी हुई है उस गल नूं साफ कर रहे सीगे और कह रहे सीगे एक नॉर्म्स दे तहत ये लग रहा सीगा भी नवजोत सिंह सिद्धू की रिहाई जड़ी है अज हो सकती है, पर सरकार ने उस नॉर्म्स नूं फॉलो नहीं किया जिस करके जड़ी नवजोत सिंह सिद्धू की अज रिहाई होनी सी वह रुक गई है। हुण अगे की रहेगा वह आने वाला समय दसेगा। मैं दिनेश गोयल कैमरामैन उमा जाब दे नाल दैनिक सवेरा टीवी लई पटियाले तों।